बात करते हैं जहां ज्ञानवापी तहखाने से जुड़ी खबर ये कि जिला कोर्ट में दायर की जाएगी याचिका। छत पर प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। व्यास जी तहखाने की मरम्मत की मांग हुई है। डॉक्टर रामप्रसाद दाखिल करेंगे याचिका। छत पर लोगों की एंट्री पर रोक की मांग की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये जानकारी आपको दे दें नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, ज्ञानवापी को लेकर खबर सामने आ रही है कि जिला कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। देखिए शिल्पा, अब से थोड़ी देर में इस याचिका और दायर की जानी है जिला अदालत में, और इस याचिका का जो प्रमुख बिंदु है वो यही है कि व्यास जी के तहखाने की जो छत है वहां पर किसी को भी आने जाने से रोक लगाई जाए इसके लिए, क्योंकि इनका जो याची है उनका ये कहना है कि जो व्यास जी का तहखाना है उसकी छत की मरम्मत कराई जाए, इसके साथ ही जहां पर पूजा हो रही है उस क्षेत्र पर किसी का प्रवेश न हो, यानी उसकी जो छत है वहां से आम आदमी को दूर रखा जाए, क्योंकि वो पूजन स्थल है और उसके छत पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा जिक्र है कि जहां पर पूजन होता है वहां की जो मुख्य छत का जो सेंटर पॉइंट होता है उन जगहों पर जाना प्रतिबंधित होता है, उन जगहों पर नहीं जाया जाता है, किनारे से दर्शन किया जाता है। तो इसी को आधार बनाकर अब थोड़ी देर में ये याचिका दाखिल की जाएगी। और अब इसके भी अगर बात करें तो वादी अधिवक्ता भी इसके है, सुभाष मंडल चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी, ये दो नाम है वादी अधिवक्ता, यही दो लोग इस केस को आगे लड़ते हुए नजर आएंगे। तो एक और याचिका और देखना यह होगा कि जिला अदालत इस याचिका को स्वीकार करती है, और स्वीकार अगर करती है तो अगली जो डेट देती है उस पर क्या सुनवाई होती है, क्या जो कोर्ट है इस संबंध में कोई और आदेश देती है, या फिर ये याचिका और इस याचिका में जो प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं उसे लेकर कोई और तथ्य सामने आता है। शुक्रिया आपका नतीश, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।